Good morning, smart learners. How are you all? Fine. Great. Now let's start our today's class with a motivational quote. Our today's motivational quote is, "Mistakes are proof that you are trying." बेटा, अगर आपसे कोई भी वर्क करने में गलती हो जाती है तो आपने घबराकर उस काम को छोड़ना नहीं है. इट मीन्स अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इट मीन्स आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो घबराइए मत, कोशिश करते रहिए. बेटा, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. क्या है चैप्टर 1 का नेम? कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. आज हम इस चैप्टर को रिव्यू करेंगे एंड इसकी एक्सरसाइज करेंगे. बेटा, हमारा चैप्टर 1 में फर्स्ट टॉपिक क्या है? मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स. मैन मेड थिंग्स इन्हें कौन बनाता है? मैन. और नेचुरल थिंग्स को कौन बनाता है बेटा? भगवान जी, गॉड बनाते हैं. मैन मेड थिंग्स के क्या एग्जाम्पल है बेटा? जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, ये सभी मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल हैं. और नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे कि बेटा सन, एयर, वाटर, मून, बर्ड्स, एनिमल्स, ये नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन्स. मशीन्स क्या है बेटा? मैन मेड थिंग्स हैं. इन्हें हम क्यों बनाया हमने, मैन ने क्यों बनाया इन्हें? अपने वर्क को इजी करने के लिए. बहुत सारी मशीन्स होती हैं बेटा हमारे आसपास. आपके घर में ही बहुत सारी मशीन्स हैं. वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, और फैन है, एसी है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सीजर्स, ये सभी क्या है? मशीन्स हैं. इन्हें हम यूज करते हैं अपने वर्क को इजी करने के लिए. ठीक है बेटा. और मशीन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. किस पावर से वो रन करते हैं डिपेंड करता है. जैसे कार बेटा फ्यूल से चलती है, फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सीजर्स हमारे ह्यूमन पावर से चलती है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर भी स्मार्ट मशीन है. मशीन है बट स्मार्ट मशीन है. कंप्यूटर को हम स्मार्ट मशीन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे वर्क करता है. जैसे वॉशिंग मशीन ओनली कपड़े धोती है, फैन ओनली हवा देता है, पर कंप्यूटर की हेल्प से हम ड्राइंग कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, खूब सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. इसीलिए कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन कहते हैं. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, मिस्टेक्स नहीं करता है, और बहुत फास्ट वर्क करता है. दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग किया है. सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर. टेबल के ऊपर रखकर चलाते हैं, बहुत बड़ा होता है साइज में. डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है बेटा लैपटॉप. लैप मीन्स गोद, गोद में रखकर चलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज टैबलेट कंप्यूटर. ये लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है. इसे इसमें हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट इज स्मार्टफोन्स, जो हम सबके पास हैं अब. ठीक है. उसे हम अपने फिंगर की हेल्प से चलाते हैं. स्मार्टफोन सबसे छोटे होते हैं. नाउ अगेन बेटा, लेट्स रिव्यू द चैप्टर थ्रू animation. Hi, I'm Didi. Today I will tell you about computers. Do you know we use many machines in our daily life? These machines make our work easy. They help us work quickly. Let us look at some machines we use every day. This is a microwave. We can use it to cook food. It needs electricity to work. A washing machine washes our clothes quickly. Even a washing machine needs electricity to work.
Some machines do not need electricity to work. For example, a sewing machine, a bicycle, or a pressure cooker. These machines also do our work quickly. A computer is also a machine. It is a smart machine. It can remember a lot of things. It can also do many types of work. It works very fast. It does not make mistakes. It does not even get tired. Now we will do exercise of this chapter. Open page number 11 of your computer book and let's do exercise. Number 1, this type of computer can be carried in a pocket. कौन से टाइप का कंप्यूटर है बेटा जिसे हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं? लैपटॉप को कर सकते हैं? इतना बिग लैपटॉप आपके पॉकेट में आ सकते हैं? नो. स्मार्टफोन? यस, वी कैन कैरी इट इन आर पॉकेट. बी ऑप्शन पर टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरिड अराउंड ईजिली. कौन से टाइप के कंप्यूटर को बेटा हम आसानी से कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते? सोचो, कौन सा है सबसे बिग साइज का कंप्यूटर? डेस्कटॉप. ए नंबर पर ही गिवन है डेस्कटॉप. ए नंबर को आप टिक करेंगे. वी कैन नॉट कैरी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन? इनमें से मशीन कौन सी है? बुक है मशीन? नो. कैट? नो. कंप्यूटर? यस, कंप्यूटर इज अ मशीन. तो सी पर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर ये बेटा आपको हेल्प बॉक्स गिवन है. इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप ब्लैंक्स में फिल करेंगे. जो वर्ड्स हेल्प बॉक्स में गिवन हैं उन्हें आप ब्लैंक्स में फिल करेंगे. देखिए, नंबर 1 इज अ डैश हैज अ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन किसकी होती है बेटा? कौन से फोन कंप्यूटर्स की टच स्क्रीन होती है? टैबलेट की, इंफॉर्मेशन मशीन्स या स्मार्टफोन? तो बेटा स्मार्टफोन्स की टच स्क्रीन होती है. ठीक है. डैश आर मैन मेड थिंग्स दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड क्विकर. मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं जो हमारे वर्क को ईजी और क्विक, क्विक मैंने फास्ट करती हैं? कौन सी ऐसी मैन मेड थिंग्स हैं? मशीन्स. हमने मशीन्स को बनाया अपने वर्क को ईजी और फास्ट बनाने के लिए. अ कंप्यूटर कैन स्टोर. कंप्यूटर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन. वी कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन आर कंप्यूटर. अ डैश इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा कंप्यूटर कौन सा है? टैबलेट. वेरी गुड बेटा. तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सी पार्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट वन इज मशीन्स आर नेचुरल थिंग्स. मशीन्स क्या नेचुरल होती हैं? नो, मशीन्स आर मैन मेड. तो फर्स्ट में हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स. अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. यस इट इज, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. तो हम इसमें क्या राइट करेंगे? ट्रू. Pair of scissors runs with human
पावर। सीजर्स किसे कहते हैं? कैंची को। वो ह्यूमन पावर से चलती है। यस इट्स ट्रू। तो टी राइट करेंगे बेटा। अ डेस्कटॉप कैन बी कैरिड एनीवेयर इन अ बैग। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं बैग में डालकर। ले जा सकते हैं? नहीं, वो तो बहुत बिग होता है साइज में। कौन से कंप्यूटर को लेकर जा सकते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बेटा आपका यही होमवर्क है पेज नंबर 10 और 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी गिवन है वो अपनी बुक में करेंगे। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे।